हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फिलोसोफर्स। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है। किससे इमर्ज होती है मिडिल क्लास? जो ओवरसीज ट्रेड होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उससे कुछ लोगों के पास पैसा आता है, वो पढ़ लिख लेते हैं और वो अपोज करने लगते हैं किसे? राजा के पास जो प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। अब ये जो आइडिया दिया था लोगों ने कि ये राजा के पास जो अधिकार है ये गलत है, जो लोगों ने सोचने पे ने मजबूर किया था इस तरीके से, वो लोग थे फिलोसोफर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे फिलोसोफर्स का क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में। तो रोल ऑफ फिलोसोफर समझने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको फिलोसोफर्स बता देता हूं। फिलोसोफर्स मतलब सोसाइटी के वो एनलाइटेंड लोग, मतलब वो बुद्धिजीव कह सकते हैं, जिन लोगों के पास में एक अलग नजरिया था किसी भी चीज को लेकर, जिनके पास में एक आइडियोलॉजी थी, एक अपना कहने का तरीका था। तो दिस इज फिलोसोफर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऐसे लोग मतलब बोलते ना, कोई अपना एक आइडिया देता है, वो आइडिया यूनिक रहता है, उनकी थॉट प्रोसेसिंग अच्छी रहती है, तो उस तरह से फिलोसोफर। आप भी फिलोसोफर हो सकते हैं। कैसे? आप अगर अच्छे अच्छे आइडियाज आपके डेवलप होते हैं किसी चीज को देख के, आप अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग बातें बता सकते हैं, तो वो फिलोसोफर बन जाते हैं। तो वैसे क्या होता है कि यहाँ पे फिलोसोफर जो थे, तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ बुद्धिजीव ऐसे थे जिन लोगों ने आइडियाज दिए कि राजा के पास जो अधिकार है ये गलत है। ठीक है, जो अभी तक चला आ रहा है उसमें चेंजेस लाना चाहिए। तो ऐसे कुछ फिलोसोफर्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान ये रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन अपब्रिंगिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर हाउ फिलोसोफर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेंच सोसाइटी। इस तरह से क्वेश्चन अगर बनता है, इसीलिए मैंने इसे स्पेसिफिक किया है। ठीक है, एक वीडियो स्पेसिफिक बनाया ताकि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और कहानी को आगे रिलेट भी कर पाओ। तो अब हम देखते हैं कि मिडिल क्लास को फिलोसोफर्स ने कैसे मदद करी। तो दे गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ लॉज, इन सारी चीज के रिगार्डिंग क्या है, फिलोसोफर्स ने बहुत सारे आइडियाज दिए। तो बहुत सारे जो आइडियाज दिए, तो उनमें कुछ प्रोमिनेंट फिलोसोफर्स मैं आपको बताता हूं। जॉन लॉक, जीन जैक्स, रूजो और मॉन्टेस्क्यू, आपकी बुक में तीन दिए गए हैं। अभी क्या है, जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेसेजेस टू एन एंड टू प्रिविलेजेस, उसमें आपको जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम भी और आइडिया भी दिया है, लेकिन आगे और आपको चैप्टर में जीन जैक्स रूजो के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको तीनों फिलोसोफर्स एक ही उसमें वीडियो में कवर कर देता हूं ताकि आपका आंसर अच्छा बन जाए, आपको समझ में आ जाए। तो जॉन लॉक जो थे, तो जॉन लॉक ने अपनी एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ही रिफ्यूटेड, या फिर ही रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मतलब उन्होंने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, अपोज करा किस चीज को, जो राजा के पास में डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट होते थे। डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट क्या है वो समझाता हूं। मतलब पहले क्या होता था, राजा को ऐसा बोला जाता था कि राजा को तो भगवान ने पहुंचाया है, जितने भी अधिकार है राजा को, ही इज बीइंग वेस्टेड विद दोस पावर्स थ्रू द गॉड। ठीक है, मतलब पूरी पावर को डिवाइन बताया जाता था, ऐसा बताया जाता था कि राजा ही भगवान है। तो जॉन लॉक ने क्या करा, अपनी जो बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें वो क्या कहते हैं कि जो राजा के पास में डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट मतलब कि पूरे तरीके से अधिकार है, राजा जो चाहे वो कर सकता है, ही इज एब्सोल्युटली फ्री टू डू एनीथिंग। तो वो एब्सोल्यूट राइट मतलब पूरे राइट उन तक ही सीमित है, पूरे अधिकार उन तक ही सीमित है। तो इस तरह का जो आइडिया था, इस तरह का जो कैरेक्टर था राजा का, तो इस चीज को इन्होंने अपोज करा, किसने, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक बोलते कि राजा है वहां तक ठीक है, लेकिन राजा को आप जब इतनी पावर दे दोगे तो उसके चलते हो सकता है राजा करप्ट हो जाए, राजा गलत डिसीजन ले लें, आया समझ में। तो इन सारी चीजों को अपोज किया जॉन लॉक ने। तो पहली चीज क्या है, जॉन लॉक ने इस तरह से अपनी बुक में आइडिया दे लोगों को कि नहीं, राजा के पास जो आइडिया, मतलब राजा के पास जो पावर है वो गलत है, उसे अपोज किया जाना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इससे लोगों का माइंड शेप हुआ, कहीं ना कहीं लोगों ने उस तरह से सोचने की कोशिश करना चालू कर दी। तो इन दिस वे वी कैन से दैट फिलोसोफर शेप दी सोसाइटी, ठीक है, ओपिनियन ऑफ सोसाइटी। अब आगे आते हैं जीन जैक्स रूजो के ऊपर। ठीक है, तो जीन जैक्स रूजो जो हैं, ये भी एक फिलोसोफर थे। इन्होंने अपनी बुक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया, इन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला, हम आगे भी पढ़ेंगे कि हर स्टेट के वोटिंग राइट अलग अलग होते थे। अब जब हर स्टेट के वोटिंग राइट अलग अलग होते थे, तो यहां पे आप पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को कम वोटिंग राइट दे रहे हो, किसी को ज्यादा वोटिंग राइट दे रहे हो। तो जीन जैक्स रूजो अपनी जो बुक है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस बुक में क्या करते हैं, उस बुक में इक्वल वोटिंग राइट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक तरह से सभी लोगों की सहमति से और इक्वलिटी की इक्वल वोटिंग बेसिस पे बनना चाहिए, इस चीज का आइडिया कौन देते हैं,
जीन जैक्स रूजो देते हैं। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, इनकी बुक और इनका आइडिया जरूर ध्यान रखना है। जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक्स रूजो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह से उन्होंने उस बुक में क्या आइडिया दिया। अब एक और जो लास्ट फिलोसोफर हम पढ़ेंगे वो कौन थे, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने क्या आइडिया दिया वो समझाता हूं मैं आपको। तो मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या कहते हैं वो, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में बोलते हैं डिविजन ऑफ पावर। डिविजन ऑफ पावर तीन ऑर्गन्स के बीच में, जो आज हम प्रेजेंट डे में देखते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मोंटेस्क्यू बोलते हैं कि राजा के पास में आप पूरी पावर दे दोगे कि राजा ही लॉ भी बनाए, राजा ही लॉ को लागू भी करे, वही क्या करे, वही मतलब जज की तरह डिसीजंस भी सुनाए कि ये सही है गलत है। तो इसके चलते क्या होगा कि एक आदमी के अंदर जब इतनी ज्यादा पावर वेस्ट की जाएगी, ठीक है, इतनी ज्यादा पावर किसी एक इंडिविजुअल को दे दी जाएगी, हो सकता है वो करप्ट हो जाए, हो सकता है वो क्या हो, गलत डिसीजन ले ले। वही वाली बात जो यहां पे की गई थी कि डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट भी क्या बनाते हैं, उसको पावर को सेंट्रलाइज कर देते हैं। यहां पे आपको क्या करना होगा, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो। तो मोंटेस्क्यू अपनी बुक कौन सी बुक थी मोंटेस्क्यू की, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बताते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉज में बताते हैं कि पावर का क्या होना चाहिए, डिविजन होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो इसके चलते क्या है, ये जो आइडियाज थे, इन आइडियाज ने लोगों के ओपिनियन को शेप किया। और मोंटेस्क्यू का ये आइडिया उसी समय पे यूएसए में, जैसे जब गवर्नमेंट बनी, यूएसए को आजादी मिल जाती है, ठीक है ना, तो लेट 18th सेंचुरी में आजादी मिलती है यूएसए को, तो उस समय पे क्या है कि ये जो आइडिया था किसका, मोंटेस्क्यू का, ये अडॉप्ट किया गया। और वर्ल्ड वाइड आज भी जैसे हमारी कंट्री में भी आप देखोगे तो है ना पावर डिवाइडेड, एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, जुडिशियरी अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। एक बार बता देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ, वैसे तो 8th क्लास से पढ़ो। लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉ को लागू करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, कलेक्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग, ठीक है। और जुडिशियरी मतलब वो जो पूरा कोर्ट वाला सिस्टम है जहाँ पे जज होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को अपहोल्ड करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, गार्जियन की तरह काम करते हैं, ये सारा हो गया। तो मोंटेस्क्यू, जीन जैक्स रूजो और जॉन लॉक, इनकी बुक के नाम ध्यान रखना है, इनकी बुक के क्या आइडिया थे वो ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जो ये एनलाइटेड आइडियाज इन्होंने दिए हैं अपनी बुक्स में, तो इन एनलाइटेड आइडियाज मतलब जो खुले विचार, जो कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार जो थे, तो दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड इन पब्लिक प्लेसेस। कैसे, अब जैसे जो कॉफी हाउस होते थे, ठीक है, या फिर सैलून वगैरह जो होते थे, तो लोग क्या बाल कटवाने जा रहे हैं, तो बाल कटवा तो एक इंसान रहा है, बाकी सारे बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा टिपिकल संडे के दिन, जैसे जब हम अगर हेयर कट करवाने जाते हैं तो दुकान में भीड़ रहती है और किसी एक मुद्दे पे बहस चालू हो जाती है। तो वैसे क्या है कि लोग जो पब्लिक प्लेसेस होती थी वहां पे इन आइडियाज को डिबेट, इन आइडियाज पे डिबेट करने लगे, डिस्कशन करने लगे, चीजों को आपस में बताने और समझने लगे। जो जो पढ़ लिख नहीं पाते थे उन लोगों को क्या पढ़ के सुनाया जाता था। तो इस तरह से आइडियाज क्या होने लगे, सोसाइटी में डिस्कस होने लगे। अब जब ये सोसाइटी में आइडियाज डिस्कस होने लगे तो दे स्प्रेड अमंग द पीपल, लोगों के बीच में फैल गए इस एक तरीके से आइडिया। अब क्या है, लोग अब मतलब एक वो पॉइंट आ गया है कि अभी तक फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने जितना भी अन्याय करा वो करा, थर्ड स्टेट नीचे थे, लेकिन धीरे 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 थर्ड स्टेट का लेवल भी अब बराबर पे आ गया। अब क्या है, अब अगर किसी प्रकार का डोमिनेंस ऐसा दिखाया गया अगर किसके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर, तो थर्ड स्टेट अब किस क्या कर लेगा, टुक ओवर कर लेगा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ऊपर। अब वहीं पे क्या होते हैं, वहीं पे लुइस 16 जो थे, तो ही प्लान टू इंपोज फर्दर टैक्सेस। रिकैप कीजिए, मैंने बताया था ट्रेजरी खाली हो गई थी, तो वो खाली खाली तिजोरी को भरने के लिए क्या करते हैं, लुइस 16 अपने मन में क्या माइंड बना रहे हैं, उन्होंने सोचा मैं टैक्स फिर से बढ़ा देता हूं, तो इस बार टैक्स अगर बढ़ाएंगे तो किसके ऊपर बढ़ाएंगे, थर्ड स्टेट के ऊपर। लेकिन अब थर्ड स्टेट चुप नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि जो पूरी कहानी की थर्ड स्टेट क्या है, एनलाइटेंड हो चुका है, थर्ड स्टेट जो है उसमें मिडिल क्लास इमर्ज होकर आ चुकी है, जो इन मॉडर्न आइडियाज से क्या हो चुकी है, एक तरह से रूबरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजें अब आपको क्या देगी, एक नया डायमेंशन देगी, चैप्टर को और आगे बढ़ाएगी। आई होप आपको यहां तक कहानी पूरी रिलेट कर पा रहे हैं, किस तरह से स्टार्टिंग से सोसाइटी क्या थी, वहां पे ट्रेजरी उनकी खाली हो गई थी, प्रॉब्लम सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी की थी, ठीक है, फिर एक मिडिल क्लास इमर्ज होकर आती है, मिडिल क्लास में लोग पढ़े लिखे रहते हैं, उन लोगों का माइंड शेप हो जाता है इन आइडियाज से, फिलोसोफर्स के आइडियाज से। अब क्या होता है, अब कहानी यहां पर पहुंच गई हमारी कि लुइस 16 ने प्लान कर लिया है क्या कि वो टैक्स बढ़ाएंगे। अब देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि लुइस 16 ने जो टैक्स को और बढ़ाने की कोशिश करी है तो उसका क्या रिपरकशंस होते हैं, उसके क्या इंपैक्ट होते हैं सोसाइटी में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एक फ्री साइन अप करना होगा। magnetbrainsbhopal पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिसे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।